बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवैल्यूएट बीटा एम प्लस एन कॉमा एन अपान बीटा एम कॉमा एन। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो मैं बीटा और गामा फंक्शन में ये जो रिलेशन लिखा है ये मैं बताऊँ चाहिए। बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। तो इस फार्मूले का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख रखा है अगले पेज पर यह है न्यूमरेटर यहाँ पर और यह है डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है। ये न्यूमरेटर है एम प्लस वन है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इस जो भी फार्मूला हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग गामा एम प्लस वन गामा एन अपान में होगा गामा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे यानी एम प्लस वन प्लस एन। और यही तो फार्मूला ही है जो यहाँ पर पुट कर देंगे गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। अभी हम सिर्फ इस टर्म में चेंज करेंगे और इस टर्म में चेंज करेंगे, बाकी एज इट लिखा रहने देंगे कि वो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ से हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे कि गामा अगर एन प्लस वन हो तो इसमें से अगर बाहर निकालते हैं तो इससे कम बाहर निकलता है यानी एन निकलेगा और एन ही गामा में बचेगा भी। तो इस फार्मूले का जब यूज़ यहाँ पर करेंगे एम प्लस वन के लिए तो ये वैल्यू हो जाएगी न्यूमरेटर में, ये वैल्यू हो जाएगी एम गामा एम, गामा एन लिखा हुआ है वो लिख देंगे। और इसमें से भी अगर हम एम एक ज़्यादा है इसको हटा दें तो एम प्लस एन बाहर निकलेगा और गामा में भी एम प्लस एन बचेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ही एक था ये, इसमें वन को हमने कम कर लिया। और बाकी इसको ऐसे लिखा रहेंगे गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। तो देख रहे हैं ये टोटल वैल्यू हमें ऊपर मिल रही है, ये गामा एम एन कैंसिल हो जाएगा और अपान में जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बची है एम और ब्रैकेट में एम प्लस एन, तो एम बचा हुआ है और अपान में एम प्लस वन। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुद्दावाना अलहमदिल्लाहि रब्बिल आलमीन।